हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सबने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया है कि दी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, दी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। देन आप ही लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने भी सोचा कि हाँ, मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मेरी ये फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है, ब्लॉग नहीं बोलेंगे, मतलब आप सबको मेरी लव स्टोरी जाननी थी कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मुझे क्यों नहीं आप सबको ये चीज़ बतानी चाहिए कि मेरी लव है या अरेंज है। लव तो बिल्कुल नहीं है, लव मैरिज तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको लगता है कि लव मैरिज है, तो ये लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मैरिज अरेंज है, लव नहीं है। हमारी अरेंज मैरिज है, बट हमारी जो अरेंज मैरिज की स्टोरी है वो बहुत क्यूट है और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप भी सुनोगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक्स करना, इस वीडियोस को बहुत सारे शेयर दे। तो 20 नवंबर को मेरी शादी थी और 20 नवंबर को जो मेरी शादी की वीडियोस थे उसी से मैं वायरल भी हुई थी। तो फिर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी शादी है 20 नवंबर को हुई थी, लेकिन हम मिले थे हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम फैमिली फंक्शंस में मिला करते थे, बट हमें नहीं पता था कि हमारी शादी हो जाएगी बहुत पहले से। तो आज से कम 2 या 3 साल पहले मैं अपनी दी की शादी में गई थी और ये भी वहाँ आए हुए थे। इनके भी वो कुछ लगते थे तो वो आए हुए थे, तो वहाँ पे मैंने इनको देखा था, इन्होंने मुझे देखा था। पर हम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि हमारी कोई शादी होगी या कुछ भी, हमें ऐसा बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने इनको देखा था एंड इनकी मम्मी ने मुझे देखा था। तो वहाँ पे कुछ जो कॉमन रिलेटिव्स हैं उन्होंने हम दोनों की शादी की बात चलाई थी, तो इन्होंने मना कर दिया था। क्योंकि जस्ट उसी टाइम, कुछ टाइम पहले बड़े जो भैया हैं उनकी शादी हुई थी, तो अभी इनको शादी नहीं करनी थी, तो इन्होंने मना कर दिया था शादी से। देन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मना कर दिया, और उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी की बात हुई है या जो भी है, मुझे नहीं पता था। फिर कुछ सालों बाद हम फिर एक फैमिली फंक्शन में मिले, हमारी फैमिली और इनकी फैमिली। तो वहाँ पे मम्मी और बड़े भैया ने मुझे देखा और वहाँ पे फिर उनसे पूछा, उन्होंने भी मुझे देखा। तो भैया ने मेरी जो शादी कराई है उसका मैं पूरी फैमिली में अगर क्रेडिट दूंगी तो वो मैं अपने जो बड़े भैया हैं जेठ, उनको दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ पे शादी में देख के, उन्होंने बोला तूने मतलब अपने भाई से कि तुमने शादी के लिए क्यों मना किया, लड़की तो अच्छी है। तो फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि मतलब नहीं, मैंने इसलिए नहीं मना किया कि लड़की अच्छी नहीं है, मतलब उन्हें शादी करनी ही नहीं थी उस टाइम, उन्होंने इसलिए मना किया था। तो फिर उस टाइम वहाँ से बात स्टार्ट हुई और बात स्टार्ट हुई हमारी शादी की। देन ऐसी ही बात होते 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 हमारा रोका का डेट फिक्स हुआ। तो फिर उसके बाद हमारा रोका हुआ, 17 नवंबर को हमारा रोका हुआ। फिर रोका होने के बाद उस टाइम मेरा मन नहीं था शादी को, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं करनी थी शादी, बहुत जल्दी थी मेरे लिए कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे और अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। बट मेरे पापा और मम्मी को ये बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि नहीं कर लो, लड़का बहुत अच्छा है ये। तो फिर मेरे को भी लगा कि हाँ यार, फैमिली इतना बोल रही है तो अब कर लेनी चाहिए। तो मैंने फिर शादी के लिए हाँ कर दी। देन मेरा 17 नवंबर को मेरा रोका था, रोका हुआ। उसके बाद फिर हम मिले, जस्ट 2 दिसंबर को मेरा बर्थडे था तब मिले। आप सब जो मुझे बोलते हो कि आपको कि जब अरेंज मैरिज है तो इतनी सारी वीडियोस कहाँ से आई आपके पास, तो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी शादी रोका हो गया था, उसके बाद हम मिले थे, काफ़ी बार मिले थे, और वो वीडियो उसी टाइम की है जब जब हम मिलते थे। तो टिकटॉक तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं एक वीडियो बना लेती थी तो वो उस टाइम पोस्ट कर देती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लव मैरिज है और मैं आप लोगों से झूठ बोल रही हूँ कि मेरी अरेंजिंग नहीं, हमारी अरेंज मैरिज ही है, बट रोके के बाद हम मिला करते थे। फिर वही उस टाइम की वीडियो से, फिर जनवरी में हमारा एंगेजमेंट हो गया, 24 को हमारा एंगेजमेंट था। उसके बाद फिर हम मिलते रहे, एक साल बाद नवंबर में मेरी शादी हुई, 17 नवंबर को मेरा रोका था, देन 20 नवंबर को मेरी शादी हुई। तो मुझे पूरा 1 साल मिला था, तो वो 1 साल में हम एक दूसरे से मिले, हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, मतलब फिर इसी से हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया। तो फिर उसके बाद जो भी हमें देखता, सबको हमारे बॉन्ड को देख के लगता कि नहीं यार, इनकी अरेंज तो नहीं है, अरेंज में ऐसे नहीं होते हैं।
लव ही होगी, बट ये छिपा रहे हैं, बट नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। लेकिन हम दोनों को देख के कभी किसी ने नहीं कहा कि यार कि ये अरेंज नहीं है। सब ये बोलते हैं कि ये लव है, अरेंज नहीं है, सब ये बोलते हैं। लेकिन हमारी अरेंज है, हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छे समझते हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे समझती हूँ, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो बहुत क्यूट दिखता है, इसलिए सबको लगता है ये लव होगा। तो यही छोटी सी स्टोरी है हम दोनों की, बस जो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप बताओ आपकी शादी कैसे हुई थी, मतलब कैसे मिले थे आप लोग, तो वही मैंने आपको बताया कि हमें हमारी फैमिली ने ही मिलाया है और उसके बाद से हमारी शादी वादी 20 नवंबर को हमारी शादी हो गई उसके बाद। और हाँ, हम हनीमून क्यों नहीं गए, इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपको कि हम हनीमून पे क्यों नहीं गए। आप सब ये बोलते हो कि आप हनीमून पे क्यों नहीं गए, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं हनीमून पे क्यों नहीं गई। तो यही छोटी सी लव स्टोरी थी हमारी, आप सबको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोगों को नेक्स्ट जो भी जानना है मुझसे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।